हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट माइनर डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट स्ट्रेन एंड स्प्रेन एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट जॉइंट एंड इट्स टाइप इन डिटेल यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइनर इंजरी होती हैं उसके अंदर आती है स्ट्रेन एंड स्प्रेन नाउ स्ट्रेन क्या होती है इट इज़ एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और इंजरी ऑफ मसल और टेंडन स्ट्रेन के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाती है मसल्स की और टेंडन की जिसकी वजह से स्ट्रेन अक्कर होता है इसमें एक्सेसिव इंजरी हो जाती है मसल्स को और टेंडन को सो so, टेंडन क्या होते हैं जो टेंडन होते हैं वो मसल्स को बोन से ज्वाइन करवाने का काम करते हैं ठीक है इसके अंदर इनकी इंजरी हो जाती है एंड मसल की इंजरी हो जाती है नेक्स्ट स्प्रेन क्या होता है स्प्रेन क्या होता है एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और इंजरी ऑफ लिगामेंट स्प्रेन के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाती है जो लिगामेंट होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं ज़्यादा एंड इंजरी हो जाती है लिगामेंट की नाउ लिगामेंट क्या होते हैं ये बोन को बोन से अटैच करवाते हैं वो होते हैं लिगामेंट नाउ स्ट्रेन की मेन साइट कौन सी होती हैं जहाँ पर ये अक्कर होता है मेनली लोअर बैक मसल्स को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करता है स्ट्रेन यहाँ पर स्ट्रेन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड स्प्रेन के अंदर एंटीरियर टेलो फिबुलर लिगामेंट ये इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है एंटीरियो फिबुलर लिगामेंट टेलोमीन्स ये टेलस बोन है उससे रिलेटेड है एंड जो एंटीरियर टेलो फिबुलर लिगामेंट होता है ये वीकेस्ट और इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इंजर्ड होने के ये मोस्ट कॉमन साइट होती है स्प्रेन की सो so, स्ट्रेन के अंदर जो मोस्ट एंड मोस्ट कॉमन टेंडन कौन सा इन्वॉल्व होता है एसिलिस टेंडन और टेंडो कैलकेनियस सो एसेलेस टेंडन या जो टेंडो कैल्केनियस होता है ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोकनोमियस मसल एंड कैल्केनियस बोन के बीच में प्रेजेंट होता है ये एंकल का टेंडन होता है एंड लार्ज एंड वीकेस्ट टेंडन होता है सो ये मोस्ट कॉमन टेंडन होता है जो इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ एंड सिम्टम है स्ट्रेन के सो स्ट्रेन के पेशेंट में पेन देखने को मिल सकता है स्वेलिंग टेंडरनेस एंड पेनफुल मूवमेंट होती है इसके अंदर डायग्नोस कैसे कर सकते हैं स्ट्रेन को सो so इसके लिए एक्सरे किया जा सकता है पेशेंट का सीटी स्कैन किया जा सकता है एंड एमआरआई किया जा सकता है नाउ मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेन को फर्स्ट वन कोल्ड अप्लीकेशन सो कोल्ड अप्लीकेशन का यूज़ किया जा सकता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कोल्ड अप्लीकेशन होते हैं ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती हैं ताकि जो रिस्क है एडिमा का वो रिड्यूज हो सके सो so, इसलिए कोल्ड अप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है इसमें नेक्स्ट मसल रिलैक्सेंट जो मसल रिलैक्सेंट ड्रग होती है वो दी जा सकती है पेशेंट को ये पेशेंट की मसल्स को रिलैक्स करवा देंगी नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज़ रेस्ट एडिकुएट अमाउंट ऑफ़ रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेन के ट्रीटमेंट में सो प्रॉपर रेस्ट लेना होता है पर्सन को ताकि स्ट्रेन ट्रीट हो सके सो so, एक बार दोबारा बता देती हूँ जो स्ट्रेन होता है इसमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाती है इंजरी हो जाती है जो मसल होते हैं टेंडन होते हैं उनकी ठीक है एंड मेन साइड जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है वो है लोअर बैक मसल्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं एंड मोस्ट कॉमन जो टेंडन होते हैं जिनकी इंजरी हो सकती है जिनकी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो सकती है वो एसिलिस टेंडन हो गया या जिसको टेंडो कैलकेनियस भी कहते हैं ये गैस्ट्रोकनोमियस एंड कैल्केनियस बोन के बीच में प्रेजेंट होता है ये जो ये एंकल टेंडन होता है एंड ये लार्ज एंड वीकेस्ट टेंडन होता है इसलिए स्ट्रेन के यहाँ पर ज़्यादा चांसेज होते हैं इसमें पेन देखा जा सकता है स्वेलिंग टेंडरनेस पेनफुल मूवमेंट हो गया एंड एक्सरे रे सी टी एंड एम आर आई इसको डायग्नोज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मैनेज करने के लिए पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना होता है मसल रिलैक्सेंट एंड कोल्ड अप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट होती है कोल्ड अप्लीकेशन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्प्रेन के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया स्प्रेन होता है इसमें एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाते हैं इंजरी हो जाती है लिगामेंट की लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करवाते हैं एंड मोस्टली कहाँ पर हो सकता है स्ट्रेन जो एंटीरियर फिबुलर लिगामेंट होता है ये वीकेस्ट लिगामेंट होता है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है एंड साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखे जा सकते हैं स्प्रेन के पेशेंट में सीवियर पेनफुल मूवमेंट होगा इसमें भी डायग्नोज करने के लिए सी टी स्कैन एम आर आई एक्सरे का यूज़ किया जा सकता है एंड मैनेजमेंट के लिए इसमें राइस टेक्निक का यूज़ किया जाता है सो so राइस जैसे आर से डिनोट कर सकते रेस्ट आई से आइस या कोल्ड अप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है सी से कंप्रेशन ताकि स्वेलिंग रिड्यूज़ हो सके ई e से एलिवेट किया जाता है एक्सट्रीमिटीज़ को आर होता है रेस्ट आर सो आर में इमोबलाइज करवाया जाता है ठीक है मीन्स रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को प्रॉपर मूवमेंट नहीं करवाई जाती इसमें ताकि जो फर्दर टरिंग के रिस्क है वो प्रिवेंट हो सके नेक्स्ट वन आइस सो आइस का यूज़ किया जाता है कोल्ड अप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो सके कोल्ड अप्लीकेशन से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अक्कर होता है एंड इससे क्या होगा जो रिस्क होगा एडिमा का वो रिड्यूज़ हो जाएगा ये इसका मेन पर्पज़ होता है सी कंप्रेशन कंप्रेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को ताकि जो स्वेलिंग है वो रिड्यूज़ हो सके सो so, कंप्रेशन में क्या होता है इसके अंदर जो स्प्रेन वाला एरिया होता है उसको इलास्टिक बैंडेज की हेल्प से व्रैप किया जाता है उसको ठीक है ताकि सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके उस एरिया को एंड जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज हो सके लास्ट राइस थेरेपी में ई होता है एलिवेशन जो एफेक्टेड एक्सट्रीमिटी होती है उसको एलिवेट करवाया जाता है ठीक है इससे क्या होगा ग्रेविटी मेंटेन होगी मेनली अबव हार्ट लेवल करवाया जाता है एलिवेटेड एक्सट्रीमिटी को एंड जो विनस रिटर्न होगा वो इंक्रीज होगा इससे एंड रिड्यूज़ हो जाएंगे जो रिस्क होंगे स्वेलिंग के एडिमा के सो so ये था स्प्रेन ठीक है स्प्रेन में इंजरी होती है लिगामेंट की एंड इसमें राइस थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए सो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो दूसरे डिसऑर्डर है जॉइंट के सब लक्सेशन एंड डिसलोकेशन उसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेलाइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो